हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात आती है तो सबके मन में, सबके दिमाग में हैवल्स का नाम आता है। और हैवल्स ने अपनी जो मार्केट बना रखी है, डेफिनेटली नाम आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसा छोटा शेयर लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो आप कहोगे हाँ भाई, आने वाले टाइम पे हैवल्स को टक्कर दे सकता है, अभी से कॉम्पिटिशन देने लग गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेट फ्री, ना के बराबर का डेट मैं कहूंगा, लॉन्ग टर्म शेयर टू इन्वेस्ट। चलिए एक नज़र देखते हैं इसको, और काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे ये शेयर खड़ा है, और इसके फंडामेंटल के साथ साथ इसके टेक्निकल को देखेंगे, साथ में हैवल्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, रिजल्ट कब आ रहा है और पिछला रिजल्ट कैसा था, उनको फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब आप देखिए, हैवल्स की जब बात आ रही है, हैवल्स देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक टॉप का शेयर है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,000 करोड़ का है, 688 का प्राइस है। अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो तो 11.5% के आसपास है। डेट इसका भी ना के बराबर का डेट है, 13 करोड़ का है, ना के बराबर मैं इसको कहूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, तो इक्विटी पर रिटर्न 20% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 9 से 10% के आसपास की है। अभी लार्ज कैप सेक्टर का स्टॉक आता है, 40 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 40,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर होल्डिंग 59% के आसपास है। अब हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसको देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी तक तो खाली स्टेबलाइजर, डिजिटल यूपीएस, यूपीएस सोलर इन्वर्टर, इन्हीं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स में ये आ चुका है। आप देखिए, जितने आपके वाटर हीटर आते हैं, कई सारे इक्विपमेंट में आ चुका है, धीरे धीरे पूरा मार्केट बना रहा है। अभी लेकिन ये छोटा शेयर है, आप ये कहिए कि स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ मूव करने वाला ये शेयर है अभी के टाइम पे, मतलब 1/4 ऑफ हैवल्स, ये मान के चलिए बहुत छोटा। प्राइस 248 के आसपास है और पी रेशियो 57-58 के आसपास है। डेट देखिए 10 करोड़ का डेट है, ना के बराबर का डेट मैं इसको कहूँगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ आप देखते हो और हैवल्स से कंपेयर करते हो, तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज जो है वो 14% का, और सेल्स ग्रोथ 11.5% का। और यही चीज़ अगर आप हैवल्स में देखोगे तो देखिए 9.5% के आसपास से 11.5%, तो काफ़ी बेहतरीन जो है सिचुएशन में है ये शेयर। और 64% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग, काफ़ी बढ़िया। अब इस स्टॉक को देखिए और समझिए, मैं आपको और डिटेल में अभी और दिखाऊंगा, और साथ में इसके टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप कहोगे अरे वाह यार, मैंने इन्वेस्ट करनी क्या इसको देख के। ये देखिए, अगर मैं इसके पिछले रिजल्ट्स दिखाऊं, जिसके रेवेन्यू है, देखिए धीरे धीरे करके रेवेन्यू कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है, 200-300 करोड़ के आसपास से रेवेन्यू जो है बढ़ता बढ़ता 2600 करोड़ तक जा चुका है। यही तो चीज़ हमें देखनी होती है, बहुत ही बेहतरीन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसका प्रॉफिट कभी 17 करोड़, 25 करोड़ हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 200 करोड़ के पास जा चुका है। ये भी बहुत बढ़िया भाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अगर पिछले 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25% है, पिछले 5 साल का 18% और पिछले 3 साल का 14% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक का CAGR भी देखें तो पिछले 10 साल में अच्छी खासी कंसिस्टेंट इसने 46% के आसपास का रिटर्न दिया, नो डाउट बढ़िया रिटर्न दे रहा है भाई। अब एक नज़र मैं आपको इसके रिजल्ट की तरफ लेके चलता हूँ, फिर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। जो इसका रिजल्ट है वो 6 नवंबर 2019 को आने वाला है, ध्यान रखें 6 नवंबर 2019, आज की डेट 3 नवंबर 2019 है और 6 नवंबर को ये रिजल्ट आएगा। कंपनी का नाम अभी फिगर मैंने नाम नहीं बताया आपको, तो इसका नाम है वी गार्ड इंडस्ट्रीज। वी गार्ड इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ये शेयर है, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट 6 नवंबर को। इससे पहले का डाटा देखते हैं, पिछले सितंबर में इसने क्या क्या किया। सितंबर 2016 480 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 37 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 2017 564 करोड़ का रेवेन्यू है, तो यहाँ पे देखिए 46 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 2018 देखिए 600 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 38 करोड़ का प्रॉफिट। तो धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे ये प्रॉफिट मुझे सितंबर 2018 में कम होता हुआ दिखा, लेकिन अब इस क्वार्टर में भाई काफ़ी उम्मीदें इससे लगी हुई हैं। और फिलहाल स्टॉक रिजल्ट से पहले ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे जा चुका है, मैं कहूँगा ज़बरदस्त पॉइंट है। और अगर ये रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक अगली रैली को तैयार हो गया है, अगली रैली को। आप देखिए टेक्निकल देखिए और समझिए, जरा ध्यान देना है टेक्निकल पे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक को मैं देखिए फॉलो करता जाता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ चीज़ें और समझता रहता हूँ, और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को मैं रडार में लेके आता हूँ अपनी, और उन रडार में आते आते मैं उसमें चीज़ें देखता हूँ। देखिए अब ये स्टॉक देखिए 2018 में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आया था, तो इसका असर इस पर भी आना ही था। ये स्टॉक अपना पीक जो बनाया इसने देखिए क्लियरली
250 के आसपास का ये पीक बनाया इसने, 250 251 इसी के 254 तक ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिली, इस लेवल का पीक बनाया। डबल टॉप इसने बनाया, देखिए डबल टॉप मैं कहूँगा, इसने डबल टॉप बना के इसमें रिट्रेसमेंट आई, गिरावट आई, नीचे को गया ये शेयर, नीचे आते आते देखिए डेथ क्रॉस बन गया था। अब देखिए गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की मैं हमेशा बात करता हूँ और मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ को देख के खरीदारी करे तो वो अपना काफ़ी जो पैसा जो गंवाता है उसको नहीं गंवाएगा। कमाई तो दूर की बात है, पहले गंवाने पे आइए, जो पैसा लूज़ करता है ना वो उसको लूज़ नहीं करेगा, और डेफिनेटली अगर कम से कम रिस्क के साथ वो पैसा लगाएगा तो वो कमाई भी यहाँ पे करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये, जैसे मैं बार बार गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस की बात करता हूँ, तो इस स्टॉक में कब गोल्डन क्रॉस, देखिए पहला ये गोल्डन क्रॉस मैं अभी 2014 से लेकर चलता हूँ गोल्डन क्रॉस बना। अगर किसी ने इस गोल्डन क्रॉस को देखने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 37 रुपये के आसपास तक, और उसके बाद उसने डेथ क्रॉस पे बेचा होता, मानिए 37 रुपये पे उसने खरीदा जून 2014 में, उसने डेथ क्रॉस के बाद देखने के बाद बेच दिया मान के चलिए 62 रुपये में, और कब खरीदा जून 2015 में, एक साल में उसका 37 रुपये का शेयर 62 रुपये में उसने बेच दिया। सोचिए कितना प्रॉफिट उसने गवाया, वो सब छोड़िए कितना रिस्क उसको लगा, बढ़िया से बढ़िया देखिए 37 रुपये में खरीदा 62 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट देखिए एक साल के अंदर का। अब सब छोड़िए, अब ये सब आ गया, खत्म हुआ, फिर से हमारे पास गोल्डन क्रॉस आया, देखिए कंसोलिडेशन हुई डेथ क्रॉस बनने के बाद, फिर गोल्डन क्रॉस बना हमारे पास ये 66 लेवल के आसपास मई 2016 में। तो ये टेक्निक मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आपको अपने चार्ट पे जिस पे एनालाइज करते हो एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन खींच लीजिए, दूसरी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन खींच लीजिए, और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सिंपल है। अब ये देखिए, अब उसके बाद आते हैं अगले गोल्डन क्रॉस की तरफ जो हमको देखने को मिला है मई 2016 में। अब मई 2016 के बाद ये आ गया गोल्डन क्रॉस, अब खरीदारी की बात ही आती है, देखिए ये बना फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, यहाँ तक ये गया बिल्कुल पोल बना और ये झंडा बना, झंडे के बाद मान लीजिए कि उसने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने के बाद उसने 84 रुपीज़ के लेवल पे शेयर में खरीदारी करी, 84 रुपीज़ के लेवल में, ठीक है, और ये खरीदारी करी उसने मई 2016 में। अब अगला डेथ क्रॉस कब बना, मैं बिल्कुल मिनिमम पॉइंट आपको लेके चल रहा हूँ कि ताकि ये नहीं कि आपने सोचा यार ऊपर खरीदा, देखिए बिल्कुल इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। डेथ क्रॉस अब बना हमारे पास ये, अभी 2018 में गिरावट आई थी उसके बाद ये डेथ क्रॉस बना, तो मान लीजिए इसको देखने के बाद इसने बेच लिया ये शेयर, यहाँ पे बेच दिया, देखिए बिल्कुल लो लेवल पे बेचा उसने डर के मारे, यहाँ लो लेवल पे 180 मान के चलिए, एवरेज करेंगे ना तो 180 मान के चलिए, तो कि राउंड ऑफ में फिगर में आ जाएगा, 180 पे उसने बेचा, और उसने खरीदा कब था ये 80 के लेवल पे मान लीजिए, जहाँ पे 80 पे खरीदा और 180 पे बेचा, और टाइमिंग देख लीजिए मई 2016 और टाइमिंग देख लीजिए जून 2018, मतलब 2 साल में उसने अपने 80 रुपये का शेयर अपने उसने पैसा डबल कर दिया, और कम से कम रिस्क के साथ, और क्या चाहिए। अब इतना डेट फ्री शेयर, कंटिन्यूसली रिवेन्यू ग्रो कर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, तो यही तो चीज़ हमको चाहिए होती है। अब फिर से देखिए, अब 2018 में इसमें गिरावट आई, नो डाउट गिरावट आई, शेयर जब गिरा सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसी के लेवल पर कंसोलिडेशन हुई थी, और शेयर नो डाउट यहाँ तक गिर के आया 160 के लेवल पे। इसमें एक चीज का ये होता है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा आप मिस कर देते हो, लेकिन आपका एक रिस्क जो होता है ना वो भी आपका हट जाता है, आपका डर है वो भी कम हो जाता है, वो रिस्क नहीं रहता। ये गोल्डन क्रॉस की जो नेगेटिव बात यह है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा आप मिस करते हो। आप देखिए खुद देखिए यहाँ पे 160 के लेवल तक ये गया, और 160 के लेवल पे लेकिन ये 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा था, तो डर बना हुआ था, शेयर ने मूवमेंट दिखाया और पार कर लिया। पार करने के बाद ये लाइन देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई, और क्रॉस जब हुई ये यहाँ पे क्रॉस हुई है, मार्च 2019 के बाद ये लाइन क्रॉस हो गई, यानी कि फिर से आपको गोल्डन क्रॉस मिल गया। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ भाई गोल्डन क्रॉस के बाद एंट्री जब आप करते हो तो थोड़ा सा ये मौका अगर दिख जाए कि अगर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के पास आता है तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है शेयर में खरीदारी की, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और आपको पता है भाई ये स्टॉक देखिए गोल्डन क्रॉस बनने के बाद यहाँ पे आया, यानी कि 190 तक जरूर गया, 197 तक जरूर गया, लेकिन ये 200 पे मान लीजिए आपने 200 के लेवल पे खरीदारी की होती है शेयर में, और वो भी मई 2019 में पहला मौका आपको मिल गया। फिर स्टॉक ने जंप लिया, सीधे 250 के लेवल पर चला गया, और 250 का लेवल इसका पुराना रेजिस्टेंस जोन था, अगर आप सेलिंग करना चाहते तो यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं भाई क्यों करने, आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। लेकिन दोबारा मौका आपके पास फिर से आ गया, फिर से स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आ गया, सिंपल मूविंग एवरेज, फिर से इसने वही सपोर्ट लिया, और आपके पास 220 के लेवल पे फिर एंट्री का मौका, और ये ज़्यादा नहीं है, अभी सितंबर तक ये मौका था पूरा, देखिए पूरा सितंबर आपके पास 220 के लेवल तक एंट्री करने का मौका, दो एंट्री करने के मौके दिए इसने गोल्डन क्रॉस के बाद। अब देखिए अब स्टॉक जो है अपने फिर से टॉप पीक पे है। अब आप सोचोगे ये नीचे आएगा, देखिए ये नीचे आया ऊपर आए वो पता लगेगा अब की डेट में, क्योंकि 6 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, मार्केट
4, 5, 6 बुधवार को रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद इसकी अगली रैली पता लगेगी। अगली रैली रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ऊपर जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर से आपके लिए दो दो 200 डे सपोर्ट जो है वो यहाँ पे तैयार है। देखिए ट्रेंड लाइन बिल्कुल बन रही थी, ये देखिए ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये अक्टूबर 2018 के बाद बढ़िया ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है नो डाउट। अब रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मुझे लगता है कि अगली बार ये इस रैली को एक ब्रेकआउट आने के पूरे पूरे चांसेस है। ऑल दो थोड़ी देर में इसने रिट्रेसमेंट के हिसाब से ऊपर जरूर गया है 260 के लेवल तक, लेकिन अभी फिलहाल रिजल्ट के ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा, और रिजल्ट से पहले भी जो प्री रिजल्ट बाइंग है वो 2-3 दिन में देखने को मिल सकती है आपको, तो स्टॉक एक नया हाई बनाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये वी गार्ड की हमने बात करी, वी गार्ड के शेयर को आपने देखा समझा, मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी और साथ में गोल्डन क्रॉस की बताने की कोशिश करी, और DSP मिड कैप फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फंड हाउस, इन्होंने खूब पैसा लगा रखा है, और साथ में प्रोमोटर देखिए चितलपली थॉमस ये मेजर इसके प्रोमोटर है, इसके अलावा और भी है मिथुन जी हैं और शीला ग्रेस, ये सारे इसके मेजर प्रोमोटर हैं। देखिए बहुत बढ़िया, और साथ के साथ देखते हैं थोड़ा थोड़ा डिविडेंड जरूर देता है, ज़्यादा नहीं, और अगर बोनस की बात करें तो 2017 में एक बोनस इसने दिया था। तो ये वाइंड अप करता हूँ मैं वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज़बरदस्त शेयर है नो डाउट, और हैवल्स बनेगा या नहीं बनेगा वो तो आगे इसका रिजल्ट बताएगा, अच्छा रिजल्ट आता तो उम्मीद करेंगे यहाँ पे हैवल्स बन सकता है ये, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।